नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं हूँ साथ रोहित। तो अगर आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे निक्षय योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत आपके अकाउंट में हर महीने 500 रुपये जमा कराए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है निक्षय योजना और कैसे आप इस 500 रुपये को अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रैल 2018 में सरकार ने निक्षय नाम की एक योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत अप्रैल 2018 के बाद अगर आपको टीबी की बीमारी होती तो निक्षय योजना के अंतर्गत आपके अकाउंट में हर महीने 500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत जमा कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टीबी क्यों ना हो, ठीक है, आमतौर पर हम लोग को ये लगता है जो टीबी होती है सिर्फ लंग्स में होती है, ऐसा नहीं है। आपके कोई भी पार्ट में टीबी हो सकती है, तो कोई भी आपकी टीबी हो और जितने महीने तक आपका जो है इलाज चलेगा, चाहे 6 महीने, चाहे 8 महीने, चाहे 12 महीने में, ठीक है, हर महीने आपको 500 रुपये की सहायता आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके अकाउंट में 500 रुपये जमा कराए जाते हैं, ये न्यूट्रिशन सपोर्ट के तौर पे होते हैं। देखिए, होता ये कि जब इंसान को टीबी की बीमारी होती है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वेट कम हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर हिदायत देता है ऐसे इंसान को डाइट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो उसको मटन, चिकन, फिश, एग्स, ये सब ऐड करना चाहिए। अगर वो वेजिटेरियन है तो उसको दाल, रोटी, चावल, ठीक है, पनीर हो गया, दाल हो गई, ठीक है, और जो है चना हो गया, और भी आपको लंबी चौड़ी लिस्ट गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, प्रोटीन को अपने डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ पेशेंट को मना की जाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल, बियर, इस टाइप के ड्रिंक्स, उसको जो है नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 500 रुपये की आपको जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट के तौर पर मदद मिलती है, इससे आप कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया, ठीक है, और आप मल्टी विटामिंस की दवा ले सकते हैं। ठीक है, आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ऐसे लोग में ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी की बीमारी होने के। ठीक है, तो इससे थोड़ी आपको मदद मिल जाएगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 500 रुपये कोई बड़ी अमाउंट है, लेकिन कोई अमाउंट अगर आपको किसी योजना के अंतर्गत अगर सरकार से मिल रही है तो उसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक रीज़न और है क्यों इस स्कीम को चलाया गया है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा जो टीबी की बीमारी होती है फैलने वाली होती है, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो गाँव के लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं, ठीक है, लक्षण के साथ जीते हैं, तो इससे होता ही है वो इंसान तो बीमार होता ही होता है, साथ ही साथ ये बीमारी फैलने लगती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए स्कीम को स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, ठीक है, कि वो लोग आगे आए, अपना टेस्ट करवाएं, ठीक है, उसके बाद इलाज कराएं, तो ऐसे करने से ना सिर्फ उनकी टीबी ठीक होगी और ये बीमारी जो है फैलने से रुकेगी। चलिए, अब बात करते हैं मुद्दे की कि ये जो 500 रुपये निक्षय योजना के अंतर्गत आपको मिल, जिसके आप हकदार हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में आपको कैसे मिलेंगे। देखिए, एक बार टीबी की बीमारी अगर आप में डायग्नोस हो जाती है, ठीक है, उसके बाद चलता है आपका इलाज, तो इलाज चाहे आप सरकारी से, डॉक्टर से करा सकते हैं या प्राइवेट से भी करा सकते हैं, तो वहाँ के कर्मचारी कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी आधार कार्ड, तो आधार कार्ड आप रेडी रखिएगा, ठीक है, और आपकी जो बैंक की पासबुक होती है उसकी पहली पेज की कॉपी, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट उनको देना होता है उसके तो इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो आपका एक फॉर्म भरते हैं, ठीक है, निक्षय पोर्टल पे। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं कहता, आपको बस ये डॉक्यूमेंट जो है उनको दे देने, वो आपका एक फॉर्म निक्षय पोर्टल में बना देंगे और उसके बाद आपके अकाउंट में, ठीक है, हर महीने 500 रुपये आता रहेगा। आपको अपने बिहाफ में उसके बाद कुछ भी जो है नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो पहला किस्त है वो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, 3 महीने का गैप लगता है, क्योंकि 3 महीने तक ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आपसे जो डाटा लिया जाता है उसे पोर्टल पे डाला जाता है, उसके बाद वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, स्क्रूटनी होती है, उसमें टाइम लगता है, तो 3 महीने तक आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, पैसा नहीं आएगा जो जिसके आप हकदार हैं 500 रुपये पर मंथ वाला। ठीक है, 3 महीने के बाद जो है आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 महीने के बाद भी अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है, तो जहाँ से आप इलाज करा रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी निक्षय आईडी ले लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, उसके बावजूद अगर नहीं आता है, तो आप टीबी का एक हेल्पलाइन नंबर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके अपना पेमेंट का स्टेटस ले सकते हैं, कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। तो उनको आपको बस सिंपली अपनी निक्षय आईडी जो है वो उनको दे देनी है, वो और वो आपका जो स्टेटस है वो बता देंगे और कंप्लेन भी दर्ज करा देंगे, और उसके बाद सब कुछ सही रहा तो आपका जो है निक्षय आईडी के अंदर का जो आपका 500 रुपये है, ठीक है, वो जो है आने लगेगा। ठीक है, तो ये था कि कैसे आप इस 500 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।